वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का आठवां भाग। कल हमने जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है सोल्यूशन कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक के क्वेश्चन को जो है सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि टेन ए माइनस टेन बी बराबर एक्स तथा कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर वाई हो तो कॉट ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉट ए माइनस बी निकालना है, तो ये टेन ए माइनस टेन बी को हम कॉट में पुट कर देंगे। तो टेन ए का जो है विपरीत क्या होता है, 1/cot a, इसको लिख देंगे 1/cot a। उसके बाद माइनस 1/cot हो जाएगा बी बराबर में हो जाएगा एक्स। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा cot a इंटू cot b हो जाएगा, cot b हो गया। अब ये cot a कट जाएगा तो बचा क्या, cot b, कॉट बी माइनस ये कॉट बी कट गया तो ये हो गया कॉट ए। अब ये हो गया कॉट ए और बराबर में क्या है, एक्स है। अब यहाँ पे जो है कॉट बी माइनस कॉट ए का मान दिया हुआ है, देखो यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए बराबर वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको वाई लिख देंगे इसके बदले में। अब नीचे आ जाएगा क्या, कॉट कॉट ए इंटू कॉट बी और बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हमें कॉट ए इंटू कॉट बी का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर एक्स नीचे आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो वाई बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, कॉट ए माइनस कॉट बी, तो कॉट ए माइनस कॉट बी का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ये निकालना है ना, कॉट ए माइनस बी इसका मान निकालना है। और इसका फॉर्मूला जो है होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी और प्लस में होता है 1 बट्टा कॉट कॉट हो जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। अब कॉट ए इंटू कॉट बी का मान हमें मालूम है क्या है, तो वाई बट्टा एक्स, तो इसकी जगह हम वाई बट्टा एक्स लिख देंगे, वाई बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस में इधर 1 है तो हमने 1 लिख दिया, और बट्टा में क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए का भी मान जो है दिया हुआ है, क्या है, कॉट बी माइनस कॉट ए का मान वाई है, तो यहाँ हम वाई लिख देंगे। अब ऊपर वाला का पहले सोल्यूशन करेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा एक्स, तो वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो गया और नीचे तो एक्स है ही एलसीएम, और ये जो है नीचे एक छिपा है तो ऊपर एक चला जाएगा, तो 1/y हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो गया, इसको एक्स प्लस वाई लिख दें सजा के, एक्स प्लस वाई बट्टा एक्स वाई। अब ऑप्शन में दिया हुआ है कि नहीं, x प्लस वाई बट्टा एक्स प्लस एक्स वाई, यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसको जो है काफी कम समय में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो है वैल्यू जो है इस पे थीटा का मान रख के जो हम आसानी से बना सकते हैं।
तो क्या करेंगे, हम थीटा का मान रख के हम आसानी से बना सकते हैं। यदि हम थीटा का मान कितना 45 रख दें, तब क्या होगा 1 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है, माइनस cosec थीटा, cosec साइन का उल्टा होता है 1/√3 होगा, तो ये √1/√2 होता है ना साइन का, तो ये हो जाएगा √2। अब ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, उसके बाद इनटू में है 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, और प्लस और sec जो है 45 का मान कितना होगा √2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 2 - √2, ये हो गया, और इधर 2 + √2। अब ये कौन सा फार्मूला पे लागू हो रहा है, a + b (a - b) पे लागू हो रहा है, तो a² - b² इसका फार्मूला होता है, और 2 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 4, और माइनस √2 का स्क्वायर होगा 2, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, इसमें जो है आपको मान रखना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4 cot² π/3, यानी 4 हो गया, अब ये कितना हो जाएगा पाई बाई थ्री है, तो ये कितना हो जाएगा cot 180 होता है पाई का मान, तो ये हो जाएगा cot² 60, और प्लस कितना हो जाएगा sec² कितना ये हो जाएगा 30, फिर प्लस माइनस है साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 180/4 का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 45। अब मान रख देते हैं यहाँ पे 4 तो है ही, 4 हो जाएगा यहाँ गुना cot 60 का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने यहाँ इसको स्क्वायर कर दिया। उसके बाद है प्लस sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, और इसका भी स्क्वायर में है, तो ये हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है ना sec², और फिर माइनस sin² 45 का मान क्या होता है 1/sin 45 का मान 1/√2, अब इसका स्क्वायर, अब ये हो जाएगा कितना 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 प्लस ये भी 4/3 और माइनस 1/ कितना हो जाएगा 2। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 × 6 यानी 3, तो कितना हो जाएगा 8 × 8 = 16 में से 3 गया, ये कितना 13/6 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि tan 35/cot 55 + cot 78/10 12 + sin 160/cos 20 + sec 40/cos 140 - 1 का मान निकालना है। तो आपको बताया गया था कि जब दो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों कोणों का योग 90° के बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, तो ये अगर 10 35 और 55, 10 cot कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10, 5 × 8 = 90 हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद ये cot 78 और 10 = 12 ये भी 1 के जोड़ने पे 90 आ जा रहा है, इसलिए 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये साइन 160 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 180 - थीटा यानी 20°, 180 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 60, और बट्टा में क्या हो जाएगा cos थीटा, ये लिख सकते हैं। उसके बाद फिर है sec 40, तो sec 40 को तो हम sec 40 ही रहने देते हैं, यानी sec 40, और ये क्या है cos, तो cos 180 - थीटा कर देंगे, यानी 180 - कितना 40 कर देंगे, और माइनस में तो 1 दिया हुआ है।
अब ये तो एक, अब ये माइनस एक है तो ये कट गया एक, और इधर एक कट गया तो बचा केवल वन एक, और ये साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? ये कौन सा चतुर्थांश में है? तो ये जो है अपना अद्वितीय चतुर्थांश में है, और 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा साइन कितना 20 ही होगा, बट्टा नीचे में, नीचे कॉस 20 था ना, यहाँ पे हमने कॉस 20 नहीं लिखा, ये कॉस 20 है, कॉस 20। और फिर क्या होगा, सेक 40, तो ये हमने सेक क्या लिख दिया, सेक 40। अब ये कॉस 180 माइनस 40 यानी कॉस 180 माइनस थीटा, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, प्लस है यहाँ तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो है 180 से स्टार्ट हो रहा है, तब कॉस ही रहेगा यानी कॉस 40। अब क्या होगा, और ये जो है 10 में बदल जाएगा, यानी 1 प्लस 10, 10 कितना 20, और माइनस, और ये जो है सेक 40 और कॉस 40 जो है आपस में ये हो जाएगा, अगर इसको सेक को कॉस में तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 40। तो यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर जो है 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 75 का को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45 प्लस 30, और आपको मालूम होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए फॉर्मूला लिख देते हैं आपको, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना। अब साइन ए, साइन ए यानी साइन 45, तो यहाँ पे हम साइन 45 डायरेक्टली मान लिख देते हैं, साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। अब हमें फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है, इंटू कॉस बी यानी बी ए है ना, ये ए है और ये बी है, यानी कॉस बी यानी कॉस 30, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो इसका भी होता है 1/√2 और बीच में प्लस। अब कॉस ए यानी कॉस 45 का मान कितना होगा, 1/√2 इंटू साइन बी यानी साइन 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हुआ है क्या, यहाँ पे एक चीज गलत हुआ है, यहाँ मान क्या होना चाहिए, साइन ए, साइन ए तो मालूम है, साइन ए यानी साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और उनके बाद है कॉस बी यानी कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पे गलती हो गया था, मिस्टेक, तो ये हो जाएगा, और ये हो गया कॉस ए यानी कॉस 45 1/√2, और साइन बी यानी साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब ये कितना हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1/√2, और ये दोनों है 2√2 है, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम हो जाएगा 2√2, और ये दोनों जुड़ जाएंगे यानी √3 प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है कि यदि कोण थीटा प्रथम चतुर्थांश में हो
यानी 0 से 90 के बीच में हो तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो पहले तो ये मालूम कर लें इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट दोनों में है तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का जो हम लिख देते हैं होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा रूट में हो जाएगा टेन थीटा, रूट में क्या होगा टेन थीटा, टेन थीटा के होल स्क्वायर यही होगा ना, ए स्क्वायर हो गया ये। अब उसके बाद रूट अंडर कॉट बी, ये किसका क्या होगा होल स्क्वायर, और प्लस टू ए बी यानी टू इंटू रूट अंडर कॉट इंटू टेन या टेन इंटू कॉट कुछ भी लिखिए, ये हो गया। अब ये इसका क्या मान हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देंगे, आइए पहले इसको लिख देते हैं क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसी का हम होल स्क्वायर निकाल रहे हैं ना, तो ये बराबर ये टेन स्क्वायर थीटा रूट में है तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस, अब ये क्या है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा एक के बराबर होता है तो ये डायरेक्टली कट जाएगा यानी हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया है कितना 2 दिया हुआ है, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया और ये प्लस 2 हो गया, कितना आ गया 4। हमें क्या निकालना था कि रूट अंडर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो अगर ये स्क्वायर इधर अगर ये हटाएंगे तो ये स्क्वायर में 4 आ जाएगा यानी रूट अंडर क्या था टेन थीटा प्लस रूट अंडर, यानी रूट तो सब में था तो डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया 4। अब ये जो है यहाँ पे हम लिख देंगे इसको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 का रूट कितना होता है 2, तो हमारा 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 57 है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1/√2 तथा साइन ए माइनस बी बराबर 1/√2 तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए क्या होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है का मान क्या होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है और इंटू साइन ए माइनस बी जो है इसका फॉर्मूला होता है और इसी का मान हमें दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस बी का मान दिया है 1/√2 और गुना इसका भी मान हो जाएगा 1/√2। अब ये रूट टू जो है किस में बदल जाएगा 1/2 में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौशिक ए बट्टा कौशिक ए माइनस 1 और कौशिक ए बट्टा कौशिक ए प्लस 1 का मान क्या होगा, तो क्यों ना हम पहले इसका एलसीएम निकाल लें, हम एलसीएम निकाल लेते हैं कितना कौशिक ए माइनस 1 ये हो गया इसका पहला, और दूसरा टर्म है क्या कौशिक ए प्लस 1, ये हमने एलसीएम निकाल दिया। अब ये कौशिक ए माइनस 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या
तो डायरेक्टली गुना ही कर देंगे, कौशिक स्क्वायर ये प्लस वन हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। उसके बाद प्लस, अब कौशिक ए प्लस वन और कौशिक ए प्लस वन ये दोनों जो है ये कट जाएंगे, तो बचेगा कौशिक ए माइनस वन में गुना कर देंगे कौशिक ए से, तो यहाँ जो है क्या हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। अब ये जो है कट गया, एक एक कट गया, बचा ऊपर में कौशिक स्क्वायर ए प्लस कौ, यानी ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो टू कौशिक स्क्वायर ए बराबर हो गया अपना, ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लागू इस पे लागू हो रहा है, तो ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। अब ये तो हो गया अपना टू कौशिक स्क्वायर, ये तो हमें मालूम ही है कि ये हो गया। अब ये कौशिक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर क्या होगा, आपको मालूम होगा कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है वन, और वन को इधर लाएंगे जाए तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर हो जाएगा ए। अब इसी को कॉट को हम तोड़ देंगे, साइन कॉट का क्या होता है, कॉस बट्टा साइन होता है ना, तो इस पे तोड़ देंगे। यहाँ पे हम पहले लिख देंगे, अब ये कौशिक था ना, क्या था, कौशिक को हम साइन में तोड़ देंगे, तो डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, टू बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर था तो इसको हम तोड़ देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया। अब ये साइन साइन कट गया, बचा क्या, टू बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा थीटा, या ये बोलिए ये है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये किसका विपरीत है, तो ये हो जाएगा टू सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है कि 1 बटा कॉस ए प्लस 1 इंटू 1 बटा कॉस ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 बाई कॉस है तो इसको हम उल्टा क्या लिखेंगे, सेक में चेंज कर देंगे, सेक सेक ए हो गया ना, सेक ए प्लस वन। अब ये गुना, अब ये वन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए और माइनस वन, गुना में हो गया और माइनस, ये तो दिया हुआ है ही टेन स्क्वायर ए। अब ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जो है इस पर लागू हो रहा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, और माइनस में इधर क्या दिया हुआ है, टेन स्क्वायर ए। तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस ए एक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर के। अब ये तो टेन स्क्वायर ए हमारा आ गया, और पहले से भी दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए। अब इसको जो है आप घटा देंगे तो क्या हो जाए, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 60 है कि यदि 7 cos थीटा y x बराबर 7 cos थीटा और y बराबर 9 sin थीटा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर बट्टा 49 प्लस y स्क्वायर बट्टा 81 का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 49 गुने कितना हो जाएगा, 81, यही होगा ना। अब ये 49 कट गया तो बचा क्या, 81, तो 81 गुने किससे, एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस एक्स बराबर 7 cos थीटा है
तो ये हो जाएगा 49 कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसके बाद है प्लस, अब ये 81 है और इधर 81 कट जाएगा तो बचेगा 49, तो 49 में गुना हो जाएगा किससे, वाई स्क्वायर कितना यानी 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 81 गुने 49 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में है, तो ये हो जाएगा 81 गुने 49। अब बचा क्या कॉस साइन, इसको कॉस ही पहले है तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया और दूसरा बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है 49 × 81 है या 81 × 49। अब ये कट जाएंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1 के, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें।